गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की सुबह में मैं अपने प्रोग्राम DSD में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा ईमान है कि आप डेली स्पिरिचुअल डोज से बहुत बरकत पा रहे हैं, और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मैं आज जब सुबह उठा और मैंने प्रार्थना की, मैंने पवित्र बाइबल को पढ़ा, और देखते ही देखते क्या हुआ कि मेरा ध्यान मेरी खुद की इस टी शर्ट पर पड़ा जिस पे लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट वर्ड है रिजॉइस, जिसका हिंदी में मतलब है आनंद, और दूसरा वर्ड है होप, जिसका मतलब है आशा यानी कि आस। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में हम जो बने हुए हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलते हैं, उनके जीवन में रिजॉइस की कमी नहीं है, यानी कि आनंद की कमी नहीं है। हमें उसमें आनंद है, हमें उसमें आशा है। पवित्र वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि तू अपनी सारी चिंता, तू अपने सारे बोझ मुझ पर लाद दे, क्योंकि मुझे तेरा फिक्र है। तो अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, क्योंकि मैं तेरी फिक्र करने वाला परमेश्वर हूँ। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने अपने पड़ोसी से कहा कि ब्रदर जी, भाई साहब, मेरा गैस सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो चुका है, और काइंडली आप एजेंसी तक जाके मेरा गैस सिलेंडर भरवा दीजिए। तो वो आपको कहेगा कि आई एम सॉरी, मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, या वो ये कह देगा कि मैं आपका ये काम थोड़ी देर बाद कर देता हूँ। वो आपके काम की चिंता नहीं लेगा। यदि आप किसी से कहते हैं कि भाई साहब या बहन जी, मेरा ये काम कर दीजिए, ब्रदर जी, सिस्टर जी, मेरा ये काम कर दीजिए, वो आपकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि सबको अपने अपने कामों की चिंता है। इस संसार में आप नज़र मारें कि कितने लोग हैं जिनको हर तरह के डिप्रेशन ने, हर तरह की टेंशन ने दबाया हुआ है। कुछ लोगों को अपने बच्चों की शादी करने की टेंशन पड़ी हुई है, कुछ लोगों को पैसा इकट्ठा करने की चिंता है, कुछ लोगों को अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कामों की चिंता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकमात्र वो परमेश्वर है जिसने पवित्र बाइबल में हमें कहा कि तुम अपनी चिंता मुझे दे दो। इस वचन से हमने सीखा है कि कोई भी देखो हमारी चिंता लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह हमारे फिक्र को, हमारी चिंता को लेने के लिए तैयार है। और ये जो मैं वर्ड पढ़ रहा हूँ रिजॉइस, जब हम चिंता उसको दे देते हैं, जब हम अपना फिक्र उस पर छोड़ देते हैं, सचमुच में जब वचन को फॉलो करके हम अपना सारा फिक्र यीशु मसीह पे छोड़ देते हैं, तो हमारे जीवन में एक आनंद आता है, हमारे जीवन में एक होप आती है, एक खुशी आती है, एक आस आती है, और हम कहते हैं नहीं, अब और नहीं, मैं नहीं डरूंगा, मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। मैथ्यू उसका 11:28 में लिखा है, हे सब थके हो, बोझ के तले दबे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सचमुच मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र वो परमेश्वर हैं जो हमें रिजॉयस देते हैं, जो हमें होप देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर की कृपा आज के पूरे दिन में आपके साथ बनी रहे। आमीन।